हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो पॉन्डिचेरी टी10 मैच की, जो कि मैच होगा यहाँ से स्मैशर्स वर्सेस वॉरियर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगी। ऐसे पहली मैच से लेकर यहाँ से आखिरी मैच तक, यानी कि फाइनल मैच तक ये टूर्नामेंट कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ से मिलेगा आपको MCA T20 के वीडियोज़, इसके साथ साथ यहाँ से आपको मिल जाएंगे यहाँ से ECS T10 के वीडियोज़, इसके साथ साथ यहाँ से T10 जो कि शाम को यहाँ से वेस्ट इंडीज़ वाली खेली जा रही है उसके मैच के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ से मिलेंगे वुमन्स IPL के IPL T20 के वीडियो, तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनके से अगर लिंक पर ना गए तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको दिखेंगे ऐसे 1860 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे तो आपको उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 8:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक हम देखा गया है कि बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प ज़्यादा मिल रही है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी या से बॉलर्स के ऊपर हमको तो ज़्यादा फोकस करना है। जीतने वाली बात यहाँ पर होगी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले चेजिंग करना पसंद कर सकती है, लेकिन यहाँ से बात बता दो आपको कि पिछली 9 मैच में से यहाँ से 6 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। तो कांकड़े कभी भी उलट पुलट हो सकते हैं। पहले शुरुआत में देखा गया था इसके ऐसे चेजिंग करने वाली टीम को लगातार यहाँ से 7 मैच यहाँ से लगातार चेजिंग करने वाले 6 मैच यहाँ से लगातार चेजिंग करने वाली टीम जीती थी। तो ये कुछ आंकड़े और वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। बाकी एवरेज स्कोर की बात करूँ तो ऐसे 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। तो चलिए देख लेते अभी हमारे टीम पर नज़र कर लेते हैं कि यहाँ से बात करते हैं हम लोग यहाँ से स्मैशर्स की। तो 3 मैच खेली जहाँ पर 2 मैच जीत के आ रही है, 1 मैच यहाँ से हार के आ रही है। यहाँ से M माथावन और यहाँ से शफीकुद्दीन, या शफीकुद्दीन ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया, इससे पहले काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ से ओवर्स वो हर एक मैच के अंदर पूरी करवा रहे हैं, तो एक अच्छी पिक बन सकती है आपके लिए, इनको ट्राई जरूर करिएगा। हालांकि विकेट इनको सिर्फ एक ही मैच के अंदर मिला है, लेकिन कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इवन अभी तो बैटिंग से भी ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ से इनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी माथावन अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा, वैसे थोड़ी बहुत रिस्की भी दे सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में आई थिंक शायद, और अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा। बाकी मोहित पिंटर डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, 24 रन किए थे पहली मैच के अंदर नॉट आउट, फिर इसके बाद 15 और ऐसे 36 रन किए, ओवरऑल 27 के एवरेज से 11 मैच के अंदर 271 रन किए हुए, तो एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट पिक बनेगा ऐसे मोहित मिट्टन। आर आदित्य रेड्डी की बात करूँ तो यहाँ से तीनों ही मैच के अंदर यहाँ से 2-2 ओवर्स की गेंदबाजी की, तीनों ही मैच के अंदर विकेट्स भी निकाली, तो यहाँ से आदित्य रेड्डी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको बिल्कुल लेके जाएंगे। इवन थोड़ा सा रिस्क एफोर्ड कर सको तो ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर यहाँ से आर रेड्डी को ट्राई कर सकते हो। सुनील कुमार की बात करो तो ओके पिक है, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करेंगे। या से देखो अभिलाष कुलकर्णी काफ़ी नीचे बैटिंग करते हुए भी एक अच्छा परफॉर्मेंस, यहाँ से 20 रन की, यहाँ से 24 रन किए, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। स्मॉल लीग के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही मैच के अंदर परफॉर्मेंस तो अच्छा किया है, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनको शायद अगली मैच के अंदर ऊपर प्रमोट किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के इनको ट्राई जरूर करिएगा। बाकी ऐसे बात करूँ गजेंद्र तनवर की, तो इनको लेने का कोई खास मतलब बनता नहीं है, पहले दोनों ही मैच के अंदर परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, और लास्ट मैच की बात करूँ तो ऐसे बैटिंग करते हुए 0 रन किए, तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं। ग्रैंड लीग वगैरह में एक आधी टीम में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं प्रीफर नहीं करूँगा। बाकी ऐसे ऋषि राउत ने पहली दोनों मैच के अंदर ओवर्स की, यहाँ से सेकंड लास्ट मैच के अंदर यहाँ से विकेट्स भी निकाली, और लास्ट मैच की बात करूँ तो यहाँ से परफॉर्मेंस करने का उनको मौका ही नहीं मिला। बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड ठीक ठाक है ऐसे इनके, 38 की एवरेज ऐसे बैटिंग से, लेकिन अभी तक बैटिंग से उनको मौका नहीं मिला, तो कभी भी बैटिंग से भी ऊपर प्रमोट हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसे ऋषि राउत की बात करो तो ये बंदा कभी भी बैटिंग से ऊपर प्रमोट हो सकता है। शिव कुमार पिछले दोनों मैच ओवर्स करवा रहे हैं, लेकिन विकेट उनको नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करेगा। वैसे ओवरऑल 9 मैच के अंदर 14 विकेट निकाले हुए, तो कभी भी यहाँ से 1-2 विकेट चटका सकता है, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करना है। बाकी अक्षय जैन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी पिक रह सकते हैं आपके लिए, इनको जरूर ट्राई करेगा। पिछले दोनों मैच के अंदर 3 विकेट निकाले और पहले मैच की बात करो तो यहाँ से 2 विकेट निकाले, तो इनको
डिफरेंशियल वे में कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर जरूर ट्राई करेगा। बाकी राजेश वर्मा ने पहली मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं किया और दूसरी मैच के अंदर दो ओवर्स करवा के दो विकेट निकाल दिए, तो अभी तो सारी जनता लेके आएगी तो हम भी उनको लेके जा सकते हैं। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। बात करते हैं ऐसे टीम वॉरियर्स की, तो तीन मैच खेली जहाँ से एक ही मैच जीती अभी तक और दो मैच यहाँ से हार के आ रही है। बाकी शिवा सुब्रमण्यम पहली दो मैच के अंदर ओपनिंग किए लेकिन लास्ट मैच वो खेले नहीं। इसके बाद यहाँ से नटराजन कुजांडाई वेलू और यहाँ से यस अविनाश यादव ओपनिंग कर रहे हैं। अभी अविनाश यादव पिछले तीनों मैच के अंदर ओपनिंग किए, नटराजन लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग में आए थे और इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। यस यादव की बात करें तो आपको यहाँ से दिखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, लास्ट मैच के अंदर 54 रन की पारी खेली, तो आज कहेंगे शायद अभी उनको लेके जाना पड़ सकता है। और यहाँ से कभी भी मैंने बोला था पहले भी आपको कि बड़ा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से कभी भी आ सकता है, तो ये लास्ट मैच के अंदर उन्होंने प्रूव कर दिया, अपने आप को साबित कर दिया। बाकी पारस रत्ना परखे की बात करो तो पहले ही दोनों मैच के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद लास्ट मैच के अंदर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बिखरा, लेकिन इसके बावजूद आप लोग यहां से इनको कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहां से बैटिंग से बॉलिंग से कभी भी यहां से डबल एडवांटेज दे सकता है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। प्रेमराज पिछले तीनों मैच के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, ऐसे टीम की कैप्टनशिप भी करवा रहे, बैटिंग से थोड़ी बहुत ऊपर आ रहे, तो बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे तो ऐसे प्रेमराज को हम जरूर लेके जाएंगे। बाकी शेलवन एम ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेंगे, देखो 10 मैच के अंदर 13 विकेट्स है लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी ओवर्स नहीं किए, तो कभी भी ओवर्स करवाएंगे ऐसे राइट आर्म फास्ट गेंदबाजें और ओवर्स करवाते हुए यहाँ से एक दो विकेट भी चटका सकते हैं, तो इनको डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग के लिए थोड़े बहुत रिस्की हो सकते हैं, बाकी वी प्रभु को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, स्मॉल लीग के लिए तो बिल्कुल प्रिफर नहीं करता, ग्रैंड लीग वगैरह में रिस्की मैच खेलो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से थमीज मणि की बात करो तो पहली मैच के अंदर 25 रन किए, दूसरी मैच के अंदर 4 रन किए और लास्ट मैच के अंदर 4 गेंदे की ओवर्स की, लेकिन वहाँ पर भी उनको विकेट नहीं मिला, तो अभी तक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बिक रहा है। लेकिन अभी देखो 25 रन किए हुए तो कभी भी बैटिंग करने का अच्छा चांस मिले तो ऐसे बड़ा स्कोर भी इनकी तरफ से आ सकता है, तो डिफरेंशियल वे में ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल प्रिफर नहीं करता। बाकी ऐसे सौरव यादव हो गए या से मयंक पांडे हो गए, इन दोनों ही बॉलर्स में से आपको किसी एक बॉलर को लेना है और अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। देखो दोनों का ही ओवरऑल रिकॉर्ड्स और अभी तक का परफॉर्मेंस दोनों का ही सेम है। सौरभ यादव की बात करो तो 3 मैच के अंदर 1 विकेट निकाला है और यहाँ से बैटिंग से 14 रन किए और यहाँ से मयंक पांडे ने भी 3 मैच के अंदर 1 ही विकेट निकाला है। बाकी ओवर्स की बात करो तो दोनों ही यहाँ से शुभम यादव तो सौरभ यादव तीनों ही मैच के अंदर दो दो ओवर्स पूरी किए, लेकिन यहाँ से मयंक पांडे की बात करो तो सिर्फ एक ही मैच के अंदर 2 ओवर्स की, पिछले दोनों मैच के अंदर 1-1 ओवर्स की ही गेंदबाजी की है, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग दोनों में से किसी को ट्राई करना है। बाकी ऐसे सत्या कुमार थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे, ओवर सर एक मैच के अंदर कर रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रही है और वैसे भी ओवरऑल भी आप देख सकते हो विकेट से इतने कुछ आंकड़े नहीं है, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी वैभव सिंह पनवर को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, इनको आप ट्राई कर सकते हो। बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से वाई अविनाश यादव के साथ जा रहा हूँ, अगर यहाँ से एफ मथावन के साथ जाना था तो उनके साथ भी जा सकते हो, ईपीएक अच्छी चॉइस है। यहाँ से कुंजावैन की बात करो तो यहाँ से इन्होंने भी ओपनिंग की थी लास्ट मैच के अंदर, तो इनके साथ भी आपको जाना हो तो जा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि तीनों में से किसी एक ही विकेट कीपर को हमें लेके जाना है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अविनाश के साथ। बैटिंग सेक्शन से ऐसे एम मिट्टन, यहाँ से ए कुलकर्णी, यहाँ से प्रेमराज और यहाँ से आर वर्मा को मैंने पिक किया हुआ है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो यहाँ से पी रत्न परखे और यहाँ से आर आदित्य रेड्डी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो ए जैन एस, यहाँ से एम शफीकुद्दीन, यहाँ से एस यादव और यहाँ से वी सिंह को मैंने पिक किया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वी सिंह की जगह पर यहाँ से इनको ले सकते हो, थमीज मणि को ले सकते हो या फिर यहाँ से दो विकेट कीपर के साथ जा सकते हो, ऐसे मथावन के साथ। अगर यहाँ से संथा मूर्ति खेलते तो ये डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर रहेंगे, तो इनको मैं लेके जा सकता हूँ। बाकी यहाँ से बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की, तो यहाँ से कैप्टन हमारे रहेंगे ये AJNS और यहाँ से वाइस कैप्टन की बात करूँ तो ऐसे आर आदित्य रेड्डी हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इनको रोटेट कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर। बाकी ये कुछ टीम है लेकिन याद रहे ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइन आपके पास, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनके से अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @
DC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ से फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ से आगे आने वाले अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।